हम पहुंच गए थे गांव। हमने हमारे सास की तबीयत भी देख ली, वो ठीक थे। मेरी सास की जो जेठानी थी उनकी बरसी थी, तो हम बरसी में जा रहे थे। ये मेरे नंदोई थे जो साथ में थे, और ये मेरी सास। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलो शुरू करते हैं नए व्लॉग को। हमारे गांव से बस स्टैंड जाने के लिए हमको बहुत पैदल चलना पड़ता है ना। पीछे 3 किलोमीटर लंबा रास्ता है, तो सब मिलके हम पैदल जा रहे थे बस के लिए। फिर हम बस स्टैंड, यहाँ पे हम पहुंच गए थे। और यहाँ चालू थी पूजा, और मेरी ननद मुझे इंट्रोडक्शन दे रही थी रिश्तेदारों का। इसके बाद हमको जाना था समाधि पे, तो ये हम समाधि के लिए निकल चुके थे। ये मेरी बड़ी सास की समाधि है। इसके बाद वहाँ आरती हुई, और आरती के बाद हम यहाँ से निकल गए। मंदिर देखा और फिर हम निकल गए। फिर वापस जाना पड़ेगा। चलो चप्पल उधर है। सबको लग रहा था यहाँ हनुमान जी की मूर्ति है, तो कोई अंदर नहीं जा रहा था। तो मैं देखने चली गई, तो यहाँ पे निकली शिव जी की शिवलिंग। तो मैंने सबको बुला लिया, और ताप्ती माँ का भी, माँ की भी मूर्ति है यहाँ पे। तो मैंने सबको बुला लिया कि नहीं, यहाँ पे हनुमान जी नहीं, ताप्ती माता है और महादेव है। गाड़ी देखो। सब पहुंच गए थे घर, और सब इतने थके हुए थे, और ऑटो में इतने धचके लग रहे थे, तो इनको लग गई थी तो वो देख रहे थे। सब बहुत थके हुए थे, बस खाना खा के हमको हमारे गांव निकलना था। यहाँ पे निकल चुके थे हम हमारे घर, और इसी के साथ मैं वीडियो की एंडिंग करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा। खड़ी हो जा जल्दी, खड़ी आ रही, खड़ी हो जा।